व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप कितने दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। सो सबसे पहले तो गाइस, आज जो सिचुएशन है, मतलब हर जगह बंद ही बंद है, तो सबसे पहले हम जितने भी कोविड रिलेटेड पेशेंट्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं और नर्सेज है और पुलिस है, सबको मेरा बहुत बड़ा सल्यूट गाइस। सीरियसली, कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो लोग। तो चलिए गाइस, आज का वैसे व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज मेरी बाइक का आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू दिखाऊंगा मैं। आई थिंक 2014 में मैंने लिया था मिड में, और अब 2020 चल रहा है, तो आई थिंक बहुत लॉन्ग टर्म रिव्यू बता ही सकता हूँ मैं अब कम से कम। सो गाइस, सबसे पहले लोग मुझसे पूछते हैं कि यही बाइक क्यों चूज़ की मैंने। देखिए, उस समय 2014 में और ऑप्शंस भी नहीं थे ज़्यादा। उस वक्त मेरे पास था एक बजाज का ऑप्शन था, दूसरा यामाहा R15 था, और पल्सर के ऑप्शंस थे कुछ कुछ। तो सबसे बड़ी बात थी कि यामाहा जो है R15 150cc की बाइक है, तो 150cc की बाइक के लिए अराउंड 1.5 लाख मुझे थोड़े ज़्यादा लगे थे। फिर उसके बाद पल्सर की बारी आई थी, तो जो पल्सर थी दोस्तों, बाइक तो पल्सर बहुत अच्छी है, बस प्रॉब्लम ये थी उसमें कि थोड़े उसके पार्ट्स क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर बाइक बहुत अच्छी थी। और उसका ये थोड़ा इश्यूज़ आ रहा था ब्रेकिंग का, कि मैंने सुना था पल्सर स्लिप बहुत होती थी, आई डोंट नो उसके टायर्स की वजह से या क्या, पर इसलिए मैंने फिर उस समय बजाज और R15 यामाहा दोनों नहीं किया। और जस्ट उस वक्त 2011 में ये बाइक लॉन्च हुई थी, और 2014 आते आते आई थिंक जब मैंने लिया था, तो उस वक्त में इसका ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और 250cc की बाइक थी, और इसके परफॉर्मेंस और इसकी हैंडलिंग सबसे रिलेटेड यही कहा गया था कि अच्छी बाइक है, और सबसे ज़्यादा अच्छी थी इसकी बिल्ड क्वालिटी। और ये अभी कम से कम 38,000 किलोमीटर चल चुकी है, ये देखिए इसका 38,000 किलोमीटर चल चुकी है। और बाकी ये कलर एकदम रेप्सोल स्पेशल एडिशन कलर था, तो मैंने सोचा एक बार इसी की बाइक यूज़ कर लिया जाए होंडा की। सो गाइस, मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी थी, ऑन रोड कॉस्ट पड़ी थी मुझे 2.15 लाख। ये एक शोरूम था 1.75, और बाकी इसका इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पकड़कर अराउंड 2.15, 2,15,000 पड़ी थी मुझे बाइक। सो गाइस, ये है ये बाइक मैंने क्यों खरीदी। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। मैं तो यही कहूँगा कि भले ही ये बाइक थोड़ा हायर साइड है प्राइस में, पर परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है गाइस। पर अगर आप लोग सोच रहे हैं यार कि आप लोगों को जैसे रेसिंग ट्रैक बाइक चाहिए, या बिल्कुल कॉर्नरिंग जो होनी चाहिए वैसी वाली बाइक चाहिए, सो गाइस उसके लिए बाइक नहीं है बिल्कुल। ये बाइक आप सिटी में चला सकते हैं, हाईवे में चला सकते हैं, दोनों जगह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगी। और सबसे बढ़िया है, इस बाइक का आज तक इंजन कभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है गाइस, तो आप यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस है कहीं पर भी देख लीजिए, माइनर इश्यूज दे देगी, पर आप इसको हिल पे ले जाइए, माउंटेन्स पे ले जाइए, कहीं भी, मतलब आप इसे लेकर चले जाइए, ऑफ रोडिंग ले जाइए, बाइक कभी आपको इंजन ब्रेकडाउन नहीं करेगी, इतना पावरफुल इंजन है इसका। और इसकी एक और खासियत गाइस ये है कि ये बाइक कभी भी वाइब्रेट नहीं करती है। मैंने इसे 130-140 तक भगाया है, कोई वाइब्रेशंस नहीं आते, ना इसके हैंडल बार पे आते हैं, ना इसके फुटपैक्स पर आते हैं, ना इसकी फेयरिंग्स पे आते हैं, वाइब्रेशंस कहीं भी नहीं है इस बाइक में, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा दोस्तों, और एक बात, तीसरी बात है इसकी बिल्ड कैपेसिबिलिटी, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो गाइस, आप जैसे देख सकते हैं इसके स्विचेस बोले या आप क्लच बोलिए, मतलब कॉस्ट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि 250cc में आप ये प्राइस में 2.15 लाख में, आप मेरे ख्याल से 300cc या 400cc की रॉयल एनफील्ड भी आती है, आई थिंक उस वक्त आती थी 350cc, तो भी ऐसी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको। सो गाइस, दूसरा एक है कि परफॉर्मेंस में बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त है इसकी। टायर्स आप इसके देख सकते हैं, क्वांटिको के टायर्स थे जब आए थे। सो गाइस, फिलहाल तो मैं आपको इसके सारे प्रोज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कॉन्स नहीं है यार, हर चीज़ परफेक्ट भी नहीं होती है ना गाइस, थोड़े बहुत कॉन्स तो है, पर वो भी नेग्लिजिबल है बिल्कुल। सो गाइस, इसके तीसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ, इसकी हैंडलिंग और ब्रेकिंग पे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें
कंबाइंड एबीएस है। हाँ, जो जिन लोगों में एबीएस नहीं था उन लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जैसा कि मैंने देखा है और मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास भी थी, उसमें ब्रेकिंग इशू आ रहे थे, पर इसमें बिल्कुल नहीं है। सो गाइस, ब्रेकिंग के इसमें तो मैंने आपको बताया, और दूसरा रही हैंडलिंग की बात। पता नहीं, लोग कहते हैं कि सिटी के अंदर ये हैंडल नहीं होती है, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है गाइस, इसका कर्व वेट अराउंड 169 केजीज है। सो अगर आप थोड़े बहुत ही ज़्यादा पतले हैं तो आई थिंक आपको ट्रैफिक में या थोड़ा टर्निंग के वक्त में एक तरफ हो सकती है गाड़ी, नहीं तो वैसे तो मुझे कोई इशू नहीं आया। आप सिटी में चलाइए, इसे हाईवे पे चलाइए, हाईवे पे तो ये टूरर है, मतलब आप चलाते जाइए, आपको कभी परेशानी नहीं देगी। और इसका आपको एक चीज़ और सबसे अच्छा बताता हूँ मैं, इसका स्टांस गाइस, ये जो आप स्टांस देख रहे हैं ये अपराइट स्टांस है, मतलब जैसे कि आप यामाहा बोल लीजिए या बाकी बाइक्स बोल लीजिए, निंजा बोल लीजिए, आर3 बोल लीजिए, उन सब में एग्रेसिव बाइक एग्रेसिव पोस्चर रहता है लाइक दिस। तो उससे आपको लॉन्ग रन में बैक पेन, यहाँ पे आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा, हैंड पे पेन होगा, पर यही इस बाइक की खासियत है दोस्तों, इसमें जो पोस्चर है वो है अपराइट, तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है, एकदम स्ट्रेट है, तो आपकी कभी भी पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होगी गाइस, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं इसका आपको एक बताना चाहूँगा, 38,000 किलोमीटर्स में मैं 800 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच जा चुका हूँ, मॉर्निंग 6 o'clock से भुसावल और रात में मैं 10 बजे तक आया हूँ, 800 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद मैं इस बाइक से रामटेक गया हूँ गाइस, खिंडसी गया हूँ, पेंच साइड गया हूँ, और आपने जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, केखरा नाला डैम गया हूँ, रिधौरा डैम गया हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पिलियन के साथ मैंने बैठ के इस बाइक को 120-130 टच किया है। एक बात बोलनी थी मुझे, टॉप स्पीड गाइस, देखिए मैंने इसे 135 टच किया है, बाकी लोग कहते हैं कि 155-160 जाएगी, मुझे पता नहीं है, क्योंकि गाइस थोड़ा वेट का भी रहता है, अराउंड मतलब 80 kg या 90 kg का आदमी भगाएगा तो उस स्पीड पे जाएगी नहीं, 50-60 वेट जिसका रहेगा, बॉडी वेट कम रहेगा, शायद 160 टच कर जाए, पर मैं आपसे कहूँगा कि इतना भगाइए मत, क्योंकि वही स्पीड में भगाना जितना कंट्रोल हो सके। मैं तो इसे 130 में भगाता हूँ, 130-135, उससे मुझसे कंट्रोल हो जाती है, मतलब अगर कोई 50-100 फीट पे भी मुझे दूर से दिख जाए तो इसके ब्रेकिंग ऐसे है कि बाइक कभी स्किड नहीं मारेगी, तो मैं सीधा रोक सकता हूँ इसे। सो गाइस, अगला जो पार्ट मैं कहना चाहूँगा, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। हाँ गाइस, ये थोड़ा महंगी चीज़ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है पर है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर मेंटेनेंस इसका 6,000 किलोमीटर्स में होता है, मतलब फर्स्ट सर्विसिंग 6,000 किलोमीटर्स में थी, तो जो इसका पहला मेंटेनेंस हुआ था उस मेंटेनेंस का कॉस्ट आया था अराउंड 2,500। कैसे मैं आपको बताता हूँ, उसमें ऑयल चेंज हुआ था 1.5 लीटर, अराउंड वो 1,250-1,300 का था, उसके बाद क्लीनिंग, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर चेंज, ये सब 300-350 ऐसे पकड़ के मुझे 2,500 आया था। उसके बाद अगर आप 6,000 किलोमीटर के बाद नेक्स्ट इंटरवल पे करते हैं, 6,000 या 10,000 जो भी जिस पे भी आप करते हैं, तो वहाँ पर जो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है गाइस, वो बढ़ती है इसके ब्रेक पैड्स की। यह है इसका फ्रंट ब्रेक पैड, ये अराउंड आता है 2,000 से 2,200 रुपये के बीच में, और यह है रियर ब्रेक पैड, तो गाइस ये आता है अराउंड 1,500 के करीब। तो ये दो महंगी चीज़ें हैं। और मैंने इसका चेन स्प्रॉकेट एक बार चेंज किया था पूरा, ये मुझे पूरा सेट पड़ा था गाइस 2,500 रुपये का। आपकी नॉर्मल सर्विसिंग कुछ होगी तो गाइस ये इतना ज़्यादा नहीं देगी आपको चार्जेस, पर अगर आपके कुछ पार्ट्स में अगर चेंज करना रहा तो थोड़ी महंगी पड़ेगी। बस मेरा ये है कि मैंने इसको, सबसे अच्छी बात गाइस यही है कि इंजन ने कभी भी ब्रेक डाउन नहीं किया, आई थिंक कभी भी। गाइस लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने मॉडिफिकेशन क्यों नहीं किया, गाइस ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे देखा जाए। चलिए आपको पहले इसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ।
उसके बाद इसके टायर्स भी आप देख रहे हैं 110 और 140 के हैं, तो टायर्स भी अच्छे हैं इसके साइज़ के हिसाब से। तो फिलहाल गाइस मुझे तो इसमें पर्सनली मॉडिफिकेशन जैसा कुछ लगा नहीं, आप इसका एग्जॉस्ट सुन सकते हैं और बाकी भी। हाँ, अगर मुझे इसे ट्रैक पे ले जाना होता तो मे भी शायद मैं इसके क्लिपॉन्स जो है वो नीचे कर देता, टायर्स में इसके चेंज कर देता गाइस, क्योंकि एक ये एक इशू है, आप ये टायर्स जो कॉन्टिगो के हैं उसके साथ में आप रेसिंग ट्रैक पे नहीं जा सकते। ये तो अभी फ़िलहाल MRF के हैं, मैंने कॉन्टिगो के बाद MRF चेंज किया, पर अगर आप लोगों को रेसिंग ट्रैक या उसके लिए चाहिए तो मैं बोलूँगा पेरिली है, मिशलिन पायलट है, ये टायर्स अच्छे हैं। इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है पर वैसे टायर्स अच्छे हैं। मैंने इसके टायर्स दो बार चेंज किए हैं, मुझे इसका फ्रंट टायर अराउंड 1500 का पड़ा है और ये बैक टायर मुझे इसका रियर टायर पड़ा है 2000 रुपये का MRF। तो मैंने इसके टायर्स चेंज किए हैं अब तक बस, और मुझे कुछ लगा नहीं इसके अलावा चेंज करने के लिए। इस बाकी तो मुझे ठीक ही लगी बाइक। एक मुझे जो चीज़ लग रही है कि इसका थोड़ा विंड वाइजर जो है ये थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि गाइस एक चीज़ होती है कि अगर आप एक बार 100 टच कर जाए, 100 या 110 पहुँचे, 90-95 के बाद में ही आपको ये एयर ब्लास्ट आने लगता है, मतलब बिल्कुल आपका, तब उसके लिए आपको थोड़ा टक डाउन होना पड़ता है। मतलब देखिए आपको समझाता हूँ मैं, सर हूँ मैं, तो विंड ब्लास्ट होता है 95 या 100 के बाद, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा पीछे जाके ऐसा होना पड़ता है तो थोड़ा कम होता है, पर आप 130-140 में कुछ भी कर लीजिए विंड ब्लास्ट आएगा ही। तो ये एक थोड़ा मुझे लगता है इसमें ये चीज़ का एक्चुअली मॉडिफिकेशन ही है गाइस, मॉडिफिकेशन मुझे इसमें कुछ नहीं लगा। मैंने कहा अगर आपको करना है तो आप इसका क्लिपॉन्स कर लीजिए, लोअर कर लीजिए, ताकि ट्रैक के लिए हो जाए, ये कॉर्नरिंग के लिए हो जाए गाइस। दूसरा आप इसके टायर्स चेंज कर लीजिए ताकि ट्रैक टूल बन जाए, बाकी गाइस कोई ज़रूरत नहीं है एग्जॉस्ट से लेके बाकी इसके सब। हाँ गाइस, इसका एक मिरर एक्चुअली टूट गया है और मैंने जब ऑर्डर दिया था वहाँ पे सुदर्शन में जहाँ से मैंने इसे ख़रीदा है, तो उस वक्त उनके पास स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं था, तो एक ये थोड़ा इशू आता है कि स्पेयर पार्ट्स थोड़े जल्दी नहीं मिलते, इसके टाइम लगता है, वैसे मिल जाते हैं। सो गाइस अब तो मिलने के चांसेस भी नहीं है, लॉकडाउन पीरियड ही चल रहा है, तो देखता हूँ इसके बाद में फिर। गाइस अब बात करते हैं कॉन्स की। देखिए कॉन्स तो नहीं कहूँगा मैं इसे, नेग्लिजिबल है, पर फिर भी एक कौन गाइस सबसे ज़्यादा इसका है हीटिंग इशू। वैसे आप रास्ते में चलाइए, हाईवे में चलाइए, हीटिंग इशू नहीं है। जहाँ आप 10 मिनट से ज़्यादा एकदम स्टॉप गो ट्रैफिक बोलते ना, टक टू टक ट्रैफिक, एकदम जुड़ जुड़ के गाड़ी जैसे चलना, 10 मिनट के बाद हीटिंग इशू होता है इसमें। यह फेयरिंग से यहाँ पे थाइस के ऊपर इशू निकलता है, एक्चुअली इसके नीचे से निकलने का है पूरा जो भी है हीट का, हीट डिसिपेशन, पर फिर भी थोड़ा बहुत पैर पे आता है, पर वो भी बहुत कम, पर 10-15 मिनट अगर आप इसे ट्रैफिक में चलाएंगे तो थोड़ा हीटिंग इशू करता है गाइस। दूसरा इसका कॉन्स में मैं कहूँगा कि यही जो मैंने आपको बताया कि विंड ब्लास्ट का जो है, ये विंड वाइजर है, जो थोड़ा और ऊपर होता तो अच्छा रहता, कम से कम ये विंड प्रोटेक्शन कर सकता। और गाइस मैं बताऊँगा, लोअर RPM की बाइक नहीं है इसका, लो एंड बॉट टॉर्क जो है कम है, मतलब आप फर्स्ट सेकंड गियर में आप ओवरटेक करने का बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पावर ही नहीं है। मतलब कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि फर्स्ट गियर इतना कम है कि सेकंड गियर में आपको चेंज करना पड़ता है ताकि जल्दी से गाड़ी पिकअप ले थोड़ा, तो वो एक इसका इशू है गाइस कि लोअर एंड जो इसका RPM है, लोअर एंड टॉर्क है जो, वो कम है। बाकी मिड रेंज और अपर रेंज तो बहुत ज़बरदस्त है गाइस, ये सिंगल सिलेंडर बाइक है 249 cc, मैक्सिमम पावर है इसकी 26 horsepower, और गाइस इसका टॉर्क है 22.5 Nm 7000 RPM पे, और मैक्सिमम पावर है 26 horsepower जो है 8500 RPM पे, तो इसका 8500 तक मतलब फुल RPM है। पर गाइस इसका जो स्वीट स्पॉट है, बेस्ट स्पॉट है, वो है बेस्ट स्पॉट है जो 4500 के बाद में, मतलब 4500 से 5000 के बाद में ये गाड़ी जो पिकअप पकड़ती है फिर बहुत तेज़ है गाइस, फिर मतलब ये आप ओवरटेक कर सकते हैं फोर्थ गियर, थर्ड फोर्थ गियर के बाद कोई भी स्पीड में, बस फर्स्ट सेकंड गियर में ये है कि गाड़ी उठती नहीं है जल्दी ओवरटेकिंग के लिए।
ये दूसरा पॉइंट है गाइस। और बाकी और मैं कॉन्स में यही कहूँगा कि थोड़ा ओवर प्राइस है गाइस, मतलब अगर 250 सीसी अराउंड 2.15। और ये मेरा 2014 एडिशन था, अभी 2018 में बाइक वापस रिवाइज हुई है, पर उन्होंने कुछ इतना ज़्यादा किया नहीं है, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर LED हेडलाइट दे दिए गाइस और इसके ग्राफिक्स चेंज किए, मतलब कलर स्कीम और वो, बाकी पावर से रिलेटेड जो भी टॉर्क है सब सेम है। सो गाइस, मतलब अगर आप कोई बाइक 7 से 8 साल बाद ला रहे हैं वापस, सिर्फ ये चेंजेस आपने ग्राफिक्स और LED भी किया है, LED चेंज किया है, आई थिंक जस्टिफाई नहीं है गाइस, क्योंकि होंडा ने लॉन्च की है गाइस, CB300R लॉन्च की है फॉरन में, CB500 है, CBR500, पर इंडिया में जस्ट इन्होंने अभी 6 महीने पहले CB300R किया है, मतलब गाइस 8 साल में सिर्फ 50 CC बढ़ाए इन्होंने, 50 नहीं एग्जैक्टली 37 CC, 286 CC की बाइक है और ये 249 सिंगल सिलेंडर। सो गाइस, मुझे लगता है कि CB300R लाना चाहिए था उन्हें, भले ही थोड़ा कॉस्टिंग होती पर फ़ायदा रहता गाइस। पर गाइस यही मैं कहूँगा कि बाकी कॉन्स कुछ नहीं है, बाइक तो ज़बरदस्त है, बस ये विश करते हैं कि हम जल्दी जल्दी दूसरी बाइक चलाएं होंडा, ताकि हम लोग भी इसके हायर CC पे जा सकें। गाइस आखिरी क्वेश्चन जो सब पूछते हैं कि फ्यूचर प्रेफरेंस बाइक क्या है मेरी, जो मतलब लास्ट इसकी नेक्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी। सो गाइस फिलहाल होंडा का मैं जो 300 बाइक आई है CB300R वो तो नहीं लूँगा, रीज़न सिंपल है गाइस, सिंगल सिलेंडर है वो भी, और ये भी सिंगल सिलेंडर है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि मे बी शायद मैं निंजा 300 पे जाऊँ या R3 पे जाऊँ या आई थिंक रॉयल एनफील्ड, क्योंकि जो इंटरसेप्टर और कॉन्टीनेंटल आई है 650 CC की बाइक गाइस, अमेजिंग है गाइस वो बाइक। तो मेरे नज़र में तो गाइस ये 3 बाइक है, पर इसका कतई ये मतलब नहीं है दोस्तों, ये मत सोचेगा कि बाइक ख़राब है, अगर ये अभी भी होंडा ट्विन सिलेंडर ले आए तो मैं तो गाइस होंडा ही लूँगा, नहीं तो मैंने बताया कि मैं R3 निंजा या रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर या कॉन्टीनेंटल में से कोई नेक्स्ट ईयर प्रेफर करूँगा गाइस। तो गाइस यही था पूरा वीडियो, बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी मतलब आपको जो भी लगे, और अगर मैं कुछ गलती हुई है मुझसे गाइस तो एक्सट्रीमली सॉरी, जितना मैंने चलाया है बाइक को और जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों को बताया। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोगों का बजट थोड़ा ज़्यादा है और आपको एक अच्छी टूरर चाहिए, नॉट अ ट्रैक मशीन गाइस, कि ओनली ट्रैक्स और कॉर्नरिंग करेंगे आप उसके लिए, सो गाइस मैं बोलूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट वन, ये आपको सिटी राइड में भी इंजॉय करेगी और टूरर तो गाइस ज़बरदस्त है, आप इसको लेके जाइए कहीं भी, इंजन ब्रेकडाउन नहीं होगा इसकी गारंटी है, इतना सॉलिड इसका ये है, रिफाइनमेंट है इंजन का। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आगे आप लोग क्या देखना चाहते हैं, या और कोई पॉइंट्स जो मैं कवर नहीं कर पाया मुझसे ज़रूर पूछेगा गाइस। टिल देन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।